हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। पीएनबी बैंक की तरफ से ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पीएनबी बैंक की तरफ से ग्रुप डी के ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, 12th पास करके आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पीएनबी बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर देखा जाए कि पीएनबी बैंक की तरफ से जो जो पोस्ट निकाल के आया है, उसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, इस बार पीएनबी बैंक की तरफ से एप्लीकेशन करने वाले के लिए बहुत सारे पोस्ट निकाल के आया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि SOC मैनेजर 2, SOC एनालाइज इंसिडेंट रिस्पॉन्सिबल एनालाइज 4, फायरवॉल सिक्योरिटी स्पेशलाइज 3, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलाइज 3, इंडो पॉइंट सिक्योरिटी इंजीनियर 6 वैकेंसीज। टोटल अगर आप देखोगे तो 18 वैकेंसीज इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एक एक जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ, तो इसी के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 18 पोस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए फॉर SOC मैनेजर के लिए, BE BTech क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड फायरवॉल सिक्योरिटी स्पेशल कैंडिडेट के लिए फुल टाइम डिग्री इन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात किया जाए, 25 से 35 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज रिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए SC ST वालों को मिलेगा 5 ईयर्स की छूट, एंड OBC वालों को मिलेगा आपको 3 ईयर्स की छूट यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसका भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए PNB बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। PNB बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। PNB बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है। PNB बैंक की इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले, वो है शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए 19th August 2024 इज़ द लास्ट डे, उससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप लोग आपका फॉर्म को फिलअप कर सकते हो।